नमस्कार, मैं हूं अमित जायसवाल और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का खास कार्यक्रम कहता है वोटर। आज हम खंडवा जिले की मांधाता विधानसभा में पहुंचे हैं। मांधाता विधानसभा खंडवा जिले की एकमात्र सामान्य सीट है और ये हमेशा सुर्खियों में भी रहती है। देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग इसी विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। ऐसे में यहाँ हर किसी की नजर रहती है। इस विधानसभा क्षेत्र का वोटर क्या कुछ कहता है, आज हम उन्हीं से जानेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर यहाँ के क्या मुद्दे हैं और जनता क्या चाहती है। अब तक का जो इतिहास यहाँ रहा है देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही यहाँ राज किया है और दोनों ने ही जनता से जो वादे किए थे वो कितने पूरे हुए, कितने अधूरे हैं, किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए और इस विधानसभा क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं जो इस चुनाव पर असर डालेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम और जनता से ही बात करते हैं कि आखिर उनके क्या कुछ मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश पवार है, शांति नगर में रहता हूँ। एक साल पहले पार्षद चुनाव हुए थे, एक साल पहले मेरी कॉलोनी में क्या कार्य हुआ है ये बताइए। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि मेरे कॉलोनी में क्या कार्य हुआ है, बीजेपी की सरकार ने क्या कार्य किया है, क्या मुद्दे हैं यहाँ के। मुद्दे कुछ भी नहीं, काम कार्य कुछ नहीं हुआ है आज कार्य कुछ भी नहीं हुआ है। चलिए और कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयराम करोली जी पुनासा। क्या करते हैं आप? मैं कारीगर आदमी हूँ, यानी मिस्त्री का काम करता हूँ। क्या है इस क्षेत्र के मुद्दे, क्या है क्षेत्र के मुद्दे? सर जी, ये जो आपकी नगर पंचायत हुआ है और पहले भी पंचायत था ये, पर बाकी काम तो थोड़े बहुत हुए हैं, पर बाकी नगर पंचायत तो कुछ भी नहीं हुआ है। क्योंकि खास बात हमारे जो सुदामा नगर है इसमें पट्टे नहीं है, आज करीब करीब 20-25 वर्षों से रह रहे हैं और पट्टे नहीं है। अच्छा, पट्टे जब होते तभी हमको कुटीर या शौचालय का लाभ मिलता है, अब पट्टे नहीं है तो हमको कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए हम तो पार्टी ये है कि पार्टी बदलना चाहते हैं, ताकि हमारा मुद्दा ये है कि पट्टे मिले। अच्छा, क्या आप क्या नाम लिखते हैं? सर मैं गबरू सिंह सावले हूँ। इस विधानसभा में अगर बात की जाए तो जो चुनाव है उसमें क्या मुद्दे हैं जिन पर आप वोट करेंगे? सर हमें तो वो चाहिए पट्टे की, हम मोहल्ले के लिए, हम 30 साल से परिवर्तित यहाँ पे 30 साल से निवास कर रहे हैं, हमें कोई भी लाभ नहीं मिला बीजेपी से, तो हमें इस साल बदलाव चाहिए हमें तो। बिल्कुल, बदलाव की बात यहाँ कर रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं क्या इस बार जो है यहाँ की स्थितियाँ। स्थिति परिवर्तन चाहती है जनता। आज गरीबों को न कुटीर मिल रही, न शौचालय मिल रहे, न किसी भी प्रकार की कोई योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा हूँ, तो हमारे लिए तो उत्तम ही सर्वोत्तम है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? दिनेश। क्या करते हैं आप? मैं किसान। किसानों की क्या स्थिति यहाँ पर? ठीक है। क्या क्या बोया जाता है यहाँ? गेहूँ होते, सोयाबीन, कपास सब लगाते, मिर्ची वगैरह सब। सरकार जो बात करती है किसानों की आय दोगुनी करने की, यहाँ हुई आय? हाँ हुई। क्या क्या लाभ मिल रहा है? वो लाभ तो ये सब मिला, मतलब कि अपने खाद बीज समय पर सब हाँ मिला है। अच्छा, तो इस बार जो है आपने क्या लगाया? इस बार हमने कपास लगाया। बीते दिनों ओलावृष्टि और बारिश की वजह से फसलें खराब हुई थी, मुआवजा मिल गया है किसानों को यहाँ? नहीं, अभी नहीं मिला है, अभी नहीं मिला है। आप लोग मांग कर रहे हैं? हाँ मांग कर रहे हैं ना। अच्छा, चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, किसानों क्या चाहते हैं कि सरकार और करे तो किसानों का फायदा हो? तो जो फसल नुकसान हुई है मतलब उसका मुआवजा मिला है, मतलब ऐसा। बिल्कुल। आपका आपका क्या नाम है? भीम सिंह। क्या करते हैं आप? कष्टकारी किसान हैं। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार कहीं किसान को कहीं मदद देना चाहिए, कहीं सुविधा देना चाहिए कहीं। क्या है किसानों की मांग? बिजली बिल, बस अभी सब फसल नष्ट हो गई, पूरी फसल नष्ट हो गई, कई फसल नहीं आई अभी, पूरी नष्ट हो गई। तो आपको मुआवजा मिला? नहीं, खाली सोयाबीन जिसने बाया उसमें कहीं 5-5 हजार रुपए डले बताए, बाकी फसल का कहीं नहीं मांग। कपास, मक्का, कई फसल के मुआवजे नहीं मिले। अच्छा, आपका क्या नाम है? जगन्नाथ रेकल। क्या कहेंगे, चुनाव हैं अभी, नेताजी आ रहे हैं? नेताजी क्या आ रहा है, इस बार शिवराज सिंह मामा गया। क्यों गया? कि भ्रष्टाचार फैला के रखी है, दूसरा कुछ नहीं है।
रही बची बात किसानों को तो मिटा दिया है, अब केवल लाडली बहनों को पकड़ा है, बस चारा चारा वही बचा है। शिवराज सिंह मामा के पास चारा एक ही बचा है, लाडली बहना। आपके विधानसभा के क्या मुद्दे हैं? मेरी विधानसभा अच्छे खासी वोट से जीतेगी, उत्तम पाल दादा आएंगे। यहाँ के मुद्दों पर जो है लोग बात कर रहे हैं, कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। यहाँ कुछ और लोग बैठे हैं, क्या नाम है आपका? राम शर्मा। क्या है यहाँ की जो मिजाज है, अभी चुनाव चल रहा है, क्या मिजाज है यहाँ का? क्या करते हैं आप? पंडित ही करता हूँ। अच्छा, क्या चल रहा है यहाँ की, यहाँ की क्या स्थिति है? स्थिति खराब है, कुछ कार्यक्रम नहीं हो रहा है। अब मेरी भी कम से कम 70 साल की उम्र है, मेरे को पेंशन अभी तक नहीं मिल रही। अच्छा, नेताजी आ रहे हैं अभी, नेताजी ने जो वादे किए थे विधायक जी ने पिछली बार, वो पूरे हुए हैं जी? जी। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके क्या मुद्दे हैं, क्या क्या स्थितियां हैं यहाँ की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चौराहा है और यहाँ लोग जो हैं लगातार बातचीत कर रहे हैं, लोग अपनी मुद्दे रख रहे हैं। ये विधानसभा जो है क्या खासियत रखती है, क्या है यहाँ का इतिहास? यहाँ का इतिहास ऐसा है कि ये विधानसभा जो पहले हुई यहाँ के एक छोटे से गांव के नाम पर था, निमारखेड़ी। बाद में इस विधानसभा का परिसीमन हुआ और इस विधानसभा का फिर नाम रखा गया मानदाता विधानसभा। मानदाता विधानसभा नाम इसलिए रखा गया क्योंकि राजा यहाँ पे मानदाता हुए ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर के नाम पर इस विधानसभा का नाम मानदाता रखा गया। यहाँ पे पहला एक ऐसा भी घटित हो चुका है, निर्विरोध निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पे विधायक भी रह चुका है। फिर उसके बाद लगातार बीजेपी और कांग्रेस कुछ समय समय बदलती रही है। यहाँ की जो जनता का मूड है वो किसी को सर्वसर्वा नहीं समझती है, मौका आने पे दोनों पार्टियों को बदल देती है। यहाँ पे बीजेपी के भी विधायक रह चुके हैं और कांग्रेस के भी हैं और बहुत सारे यहाँ के अब लोकल इशू हैं, उस पर इस बार चुनाव का ऐसा लग रहा है कि लोकल इशू ज्यादा यहाँ पे मायने रखेगा। क्या क्या मुद्दे रहेंगे जिन पर जनता फोकस करेगी इस बार? जैसे अपन पुनासा में खड़े तो यहाँ का तो मुद्दा एक नजर आ रहा है, डिग्री कॉलेज है यहाँ पे, बस स्टेशन की सुविधाएं नहीं है, यहाँ पे बच्चों को बाहर पढ़ने जाना पड़ रहा है, कुछ एरिया में अभी सिंचाई के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, वो भी यहाँ पे मुद्दा इस बार मुख्य रहेगा। बिल्कुल, मुद्दे यहाँ के बहुत सारे हैं। एक पानी पूरी की दुकान है और चुनावी चटखारे हैं, तो ये भी जो है चटपटा जो है लोगों को पानी पूरी खिलाते होंगे। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। क्या है पुनासा की अगर बात करें तो चुनावी रंग क्या है यहाँ के? बोल बोल बोलना बोलना। हमारे पापा जो अभी शांत हो गए थे तो उनके जो मतलब मृत्यु के अंतिम संस्कार के 5,000 मिलते थे, अभी तो वो तक भी नहीं हमको। अच्छा, सरकार तो काफी दावे कर रही है और कि हम जनता की सेवा कर रहे हैं, काफी योजनाएं चला रहे हैं। वही मैंने तो बहुत मतलब कि 3 महीने से बहुत दौड़ रहा हूँ पर कुछ भी नहीं हुआ, आखिरी में हार मान के अब तो सब काम बंद कर दिया, क्या करें अब। अच्छा, जनता यहाँ चूंकि बहुत सारी आती होगी आपके पास, चुनावी चर्चाएं होती है? चुनावी चर्चा होती है। क्या बोल रहे हैं लोग, क्या चाह रहे हैं लोग, क्या मुद्दे उनकी नजर में है? ये है कि हमारे जैसे कोटपुना में है पट्टे नहीं मिल रहे हैं, आवास नहीं मिल रहे हैं, हमारे को आबादी में नहीं लिया जा रहा है, छोटा झाड़ बोल के हमको छोड़ दिया जाता है। अब वो हमारे से मतलब वादे कर रहे था, हम क्या उनपे विश्वास कर रहे हैं? बिल्कुल, वादों पर विश्वास कर रही जनता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज बैरागी है। पंकज जी, कैमरे पे देखिए और बताइए कि ये जो विधानसभा है युवाओं के लिए क्या कुछ आप चाहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हो आपका वो करे? देखो, युवाओं के लिए कुछ काम वाम करानी है बीजेपी की सरकार ने, ठीक है। बीजेपी की सरकार के पास हिंदू मुसलमान के सिवा दूसरी बात है नहीं, राम मंदिर हिंदू मुसलमान के हवाला कुछ भी नहीं बोल सकती बीजेपी, ना कुछ काम करा है। इस बार बदलाव किस तरह है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई। यहाँ का युवा क्या चाहता है, पुनासा मानधाता क्षेत्र में क्या होना चाहिए? आप पूरे क्षेत्र में घूमे हो, बताओ आप क्या सुविधा है यहाँ पे? स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, किसान परेशान है, किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, बहुत सारी समस्या है, समस्या का कोई समाधान नहीं है। बिल्कुल, लोगों का कहना है कि बहुत सारी सरकार की जो योजनाएं हैं उन पर दावे तो बहुत है लेकिन लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सलमान। सलमान जी, क्या यहाँ का युवा चाहता है, क्या होना चाहिए? क्या हुआ है, ये जब से ये हुआ है ये यहाँ पे ना कचरा गाड़ी अभी तक के मोहल्ले में आई है,
ये अतिक्रमण में बताते हैं, पट्टे मिल नहीं रहे, पट्टे के वादे तो सभी करके जा रहे हैं ताकि देखो ही नहीं रहा। युवाओं को काम मिल रहा है? युवाओं को काम कहाँ से मिलेगा, जब काम ही नहीं हो रहा इधर तो काम मिलेगा कहाँ से? यहाँ के कोई काम नहीं मिल रहा युवाओं। युवाओं क्या आप क्या करते हैं? मैं पशुपालन करता हूँ, दूध का धंधा करता हूँ। मांगीलाल मेघवाल मेरा नाम है, यही रहता हूँ पुनासा में। ये सब युवा बेरोजगार है, कोई के पास रोजगार नहीं है, और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई मतलब सुविधा नहीं और कोई काम भी नहीं है यहाँ पे। अभी हमारा 5 नंबर वार्ड है, 5 नंबर वार्ड में सब पूरी सुविधा बंद कर दें। जैसे नगर परिषद बनी, नगर परिषद बनने को 1 साल हो गया, 1 साल होने के बाद में यहाँ सब पूरे काम बंद हो गए। छोटी जाड़ी में हमारा मोहल्ला कर दिया, 5 नंबर वार्ड छोटी जाड़ी में कर दिया। अच्छा, आप पशुपालन करते हैं, दूध का व्यवसाय भी करते हैं, तो क्या उचित दाम आपको मिल रहे हैं या सुविधाएं मिल रही हैं? क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट को लेकर भी काफी कुछ योजनाएं करते हैं। नहीं नहीं मिलेगा कोई, हमारा प्राइवेट सस्ता चल रही है, सरकारी में चल रहे, तो वहाँ 1.5 मिलियन पैसे आ रहे हैं, पशुपालन कैसे करेगा? लोग अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, कुछ और लोग हैं यहाँ से, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव चोकड़े। क्या है इस मांधाता विधानसभा में इस बार चुनाव को लेकर क्या स्थितियां हैं? चुनाव को लेकर स्थितियां तो अभी क्लियर नहीं बता सकते ना। क्या मुद्दे हैं यहाँ के? यहाँ के मुद्दे क्या, मुद्दे तो कोई ऐसा विशेष कोई है नहीं मुद्दा। क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, और क्या काम होना चाहिए। काम क्या होना चाहिए? काम सड़कें अच्छी है, स्वास्थ्य, किसानों के हित में कुछ काम होना चाहिए। बिल्कुल, किसानों के हित में कुछ काम होना चाहिए। तो ये यहाँ की जो जनता है, क्या नाम है आपका? टीआर सिंह। कहाँ रहते हैं? राइफल। क्या करते हैं? घर की ढोड़की करा, खेती करा, कहीं करा। मजदूरी मिल रही है? नहीं, आगे मजदूरी मिले। फिर काम कैसे चल रहा है, जीवन कैसे चल रहा है? बहुत तकलीफ है हमारी तो, पानी नहीं को हमारा, नहर भी नहीं जा रहा, सब परेशान जम थे। नेताजी ने वादा किया था नहर लाने का, पानी देने का। वायदा करे को भूल जाए, वायदा करना सिखाए, काम होना चाहिए। वायदा करना तो हम भी वायदा करी सका। अच्छा। सब झूठा बोलते काम करे। अभी भी तो आ रहे होंगे नेताजी वोट मांगने, तो आ रहे होंगे? हाँ तो आवा, आवना सिखाए, काम होना चाहिए। बिल्कुल, काम होना चाहिए लोगों। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोकुल मिस्त्री है। वोट डालते हैं? जरूर डालते हैं। क्या देखते हैं वोट डालते हैं? तो नेता को देखते हैं, पार्टी को देखते हैं, क्या देखते हैं? हम अपना तो क्या है, लघु काश्तकार, लघु चीज को हम देखते हैं कि लघु आदमी, लघु के लिए कोई सहमति है कि नहीं। अगर आप लघु सहमति है तो आप हमारे नेता हैं। अच्छा, क्या चाहते हैं नेताजी से, क्या होना चाहिए यहाँ पर? हमें सिर्फ रोजगार, रोजगार के अलावा दूसरा हम कहीं नहीं चाहते। हमको सिर्फ रोजगार होना, मतलब रोजगार कैसे, कोई सिर्फ गरीब आदमी हो, कहीं चाय का दुकान वाला उसका टप तोड़ दिया, उसका साइकिल पंचर वाले का टप तोड़ दिया। हाँ भाई, कोई चाय बना रहा है, मतलब इसके टप तोड़ना उखाड़ना ये अच्छी बात है क्या? बिल्कुल, तो रोजगार की मांग भी यहाँ से हो रही है। और हम आपको बता दें कि मांधाता विधानसभा में वोटर्स का जो मन है वो ये है कि जो उनके मुद्दे हैं उन पर उनका जनप्रतिनिधि बात करे और उनके मुद्दों को सुलझाने की ओर ध्यान दिया जाए। तो आज खंडवा जिले की मांधाता विधानसभा से हमने आपको बताया कि यहाँ पब्लिक का मूड क्या है, उनका मिजाज क्या है और मुद्दे क्या हैं। अमित जायसवाल, न्यूज 18, मांधाता, खंडवा।